हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, हाउ वी कैलकुलेट दी सीपीएससी वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज the d orbitals are split into two sets of orbitals t2g and eg. eg have the higher energy orbitals and t2g have the lower energy orbital. The difference between t2g and eg orbitals is equal to del o is equal to 10 dq. This center is the barycenter. The distance between the barycenter and eg orbitals is plus 0.6 del o. The distance between barycenter to t2g orbital is minus 0.4 del o. Distance between barycenter to t2g orbital, the energy is decreased down. Barycenter to eg orbital, the energy is increased by 0.6 del o. Today we have calculated the CPSC value for any complex. In octahedral complexes, the d orbitals is split two set of different energy levels. For d1 case, the electron occupies d2g orbital, which an energy of minus 0.4 del o relative to the barycenter. For example, d1 case, here is one electron present in the t2g orbitals. The energy difference between minus 0.4 del o relative to the barycenter of d orbitals. The complex can thus said to be stabilized to the extent of 0.4 del u compared to the barycenter. This quantity term as CFSE, crystal field stabilization energy. For d1 complex, t2g1 is 0. CFSC जब आप निकालेंगे तो माइनस 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0 डेलो, CFSC इज इक्वल टू माइनस 0.4 डेलो। फॉर डी टू कॉम्प्लेक्स टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टी टू जी की जो वैल्यू है माइनस 0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू डेलो, जी जीरो कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी डी टू कॉम्प्लेक्स के लिए सीफीएससी की वैल्यू? माइनस 0.4 डेलो। फॉर डी थ्री कॉम्प्लेक्स, डी थ्री कॉम्प्लेक्स के लिए टी टू जी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ई जी की वैल्यू क्या है? 0 है। तो सीफीएससी जब आप निकालेंगे माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 डेलो, वैल्यू सीफीएससी की निकल के आएगी माइनस 1.2 डेलो। नोट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर कोई लिगेंड है कॉम्प्लेक्स में वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील है, फॉर एग्जांपल COCN6 है, COCN6 है लिगेंड, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये फार्म करेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ई जी में सारे इलेक्ट्रॉन टी टू जी में पेयर्ड हो जाएंगे, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ई जी में इंटर करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। वीक फील अगर लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स में वन वन इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो आप याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है। अगर आप नहीं पहचानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, तो इसके लिए हम वीडियो बनाए हैं क्रिस्टल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके आधार पे लिगेंड को डिफाइन किया गया है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में। तो यू मस्ट वॉच दी वीडियो ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डी फोर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, सबसे पहले टी टू जी में क्या जाएगा, डी फोर है तो सबसे पहले टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन एक एक जाएगा, उसके बाद ई जी में जाएगा, तो टी टू जी फोर थ्री हो जाएगा, ई जी वन हो जाएगा, तो माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 डेलो करेंगे।
अगर यहीं पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ना हो के लो स्पिन होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना जाके क्या होता, यहाँ पे सबसे पहले T2G में पेयर हो जाता। अब इन द केस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज विथ द कॉन्फिगरेशन T2G P EG Q, P और Q है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल, दी CFSC इज गिवन बाय CFSC इज इक्वल टू -0.4 प्लस इंटू पी प्लस 0.6 इंटू क्यू डेलो। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट द CFSC वैल्यू। पी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, क्यू क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। इफ पी इज द पेयरिंग एनर्जी देन द नेट CFSC वैल्यू, CFSC इज इक्वल टू -0.4 पी प्लस 0.6 इंटू क्यू डेलो प्लस MP। MP का मतलब क्या है, M क्या है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर M इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G एंड EG। जितने इलेक्ट्रॉन आपके T2G अथवा EG ऑर्बिटल में पेयर्ड हुए रहेंगे वो आप M की जगह पे लिखेंगे। अब डेल O इज इक्वल टू होता है 10 DQ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0.6 क्या हो जाएगा 6Q हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है CoF6-4-, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3D7-4S2 होता है तो +2 में 4S2 के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 3D7 है तो आपने कहा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो क्या हो गया T2G 5 हो गया और EG 2 हो गया। तो इसकी CFSC निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -0.4 इंटू ये क्या है आपका P, T2G के इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 0.6 इंटू 2 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.4 डेलो आएगी। इसी अकॉर्डिंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे CONH3-6-2+, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाएंगे। 3D7 है तो सबसे पहले आप क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो EG में इंटर करेगा, नहीं तो नहीं इंटर करेगा। इन दी केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड, तो T2G आपका क्या हो गया 6 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो EG 1 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप निकालेंगे तो आपका -0.4 इंटू 6 आ गया T2 G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू 1 आ गया डेलो प्लस 1P आ गया। 1P कैसे आया, जो भी आपका D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले कितने ऑर्बिटल पेयर थे, 2 थे, लेकिन T2G और EG के केस में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जा रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स पेयर हो जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक ऑर्बिटल एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, पेयर हो रहा है। तो यही इसकी क्या हो गई, पेयर्ड, यानी EG में आके जितना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहा जितना, तो वही इसकी क्या होगी पेयरिंग एनर्जी, तो 1P हो गया। अगर कोई ऑर्बिटल और पेयर हो जाता जो कि यहाँ नहीं पेयर्ड था तो क्या हो जाता 2P हो जाता। तो इसको आप देखेंगे इसकी CFSC वैल्यू क्या आ गई -1.8 डेल ओ प्लस 1P। दिस इज दी कंप्लीट वैल्यू ऑफ CFSC। हाउ वी कैलकुलेट CFSC, यू मस्ट नो द फार्मूला ऑफ द CFSC वैल्यू। CFSC इज इक्वल टू -0.4 इंटू पी प्लस 0.6 इंटू क्यू डेलो। इफ द पेयरिंग एनर्जी देन दी प्लस एट दी MP, M नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर T2G एंड EG ऑर्बिटल। डेल O इज इक्वल टू 10 DQ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन पेयर, बिग फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट पेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।